विस्फोट 5 विषैले तत्वों से बना है राधिका, जिस जिम्हा ने सत्य को छुपाया और असत्य का साथ दिया उसके लिए ऐसे ही दंड का प्रावधान है। महंत जी, मुझे ये दंड स्वीकार है। राधिका, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आप निश्चिंत रहिए, अगर मेरे भाग्य में यही लिखा होगा तो मुझे दंड से कोई भय नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे संस्कार का परिचय है राधिका, परंतु मैंने अभी दंड पूरा नहीं सुनाया है। आगे का दंड यह है, विषपिंड को अपने जिह्वा पर रखकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक राधिका को 1 बीघा बंजर जमीन जोतनी होगी। इस प्रक्रिया में किसी बैल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यह कार्य राधिका को स्वयं करना होगा। और यह भूमि सूर्योदय से सूर्यास्त तक राधिका को पूरी जोतनी होगी अपनी जिह्वा पर यह विषपिंड रखकर। इस बीच यदि उसने वार्तालाप करने का प्रयास किया या आह भी भरी तो ये विषपिंड उसके गले में उतरकर उसके प्राण ले लेगा। महंत जी, आपके द्वारा निश्चित किया हुआ तक मुझे स्वीकार है। मनुष्य किस पर विश्वास करे? जन्म देने वाली माता ईश्वर की सौगंध लेकर असत्य कहती है। 7 जन्मों का साथ देने का वचन लेने वाली पत्नी इसी जन्म में अपना वचन भंग कर देती है। सबने मेरे साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, मेरे जीवन का अर्थ छीन लिया प्रभु, मेरा व्यक्तित्व लज्जित कर दिया। मुझे आप दोनों की आवश्यकता अपने स्वास्थ्य से भी अधिक थी, किंतु आज मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर आप दोनों का परित्याग करता हूं। यही मेरा दंड है। ये कैसा दंड है मान जी? इससे तो राधिका की जान को खतरा है। क्या राधिका की गलती इतनी बड़ी कि उसकी सजा प्राण दंड हो? नहीं देव, यदि सुचारू रूप से किया जाए तो यह दंड प्राणघाती नहीं है, इसलिए इसे प्राण दंड के समतुल्य नहीं माना जा सकता। और जब दंडित होने वाला स्वयं इसे स्वीकार कर रहा है तो तुम्हारे विवाद से तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। पहेलिया ना बुझा बिटिया, पता मुझे विशाखा कहाँ है? होगी यहीं कहीं दिल्ली में, या हो सकता शहर छोड़ दिया। हमने विशाखा से कहा था किसी भी हाल में घर छोड़ के ना जाइयो। नहीं नहीं अम्मा जी, उसने कहा छोड़ा? उसे तो देव ने थक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। क्यों आई है यहाँ? दुश्मन को खत्म करना चाह रही हूँ बाबा। बुराई करने वालों को दंड अवश्य मिलेगा। नाम क्या है? राधिका। कल दोपहर 12 बजे जब सूरज ऊपर चढ़ेगा मैं ये कांटा इस पुतले को चुभाऊंगा। कांटा इसे चुभेगा और दर्द उस राधिका को होगा, तेरा काम हो जाएगा।